हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पोरुस फोटोशॉप कैमरा एंड मोबाइल्स में। आज हम बात करेंगे निकॉन के कैमरास 7000, 7200, 7100, D90 वगैरह, इनमें जो अदर फीचर्स होते हैं उनके बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले मेनू बटन क्लिक करें और ये जो रीटस मेनू है, रीटस, इसमें क्या क्या सिस्टम्स हैं वो मैं आपको सब बताता हूँ आज के बारे में। ये है डी लाइटिंग, इसको अपन क्लिक करेंगे तो ये जो अंदर के जो फ़ोटो खींचे हुए होते हैं उसके ऊपर अपने को क्लिक करना है। आएंगे फ़ोटो, अब आप ये देख लीजिए, इसमें जो दिख रहा है ये नॉर्मल मोड दिख रहा है डी लाइटिंग के अंदर, और इसमें जो है इसको अपन एडिट कर सकते हैं। तो अब आप इसको देखिए, ऊपर ये अभी नॉर्मल मोड पे हैं, सेम मोड, ये इसको क्लिक किया तो अब इसके अंदर ये आ गया है हाई। ठीक है फ्रेंड्स, तो डी लाइटिंग का मतलब साइड के अंदर जो लाइटिंग होती है, ये यहाँ पे बैकग्राउंड वगैरह के अंदर, उसके अंदर इससे फ़र्क पड़ता है कलर, चेहरे की चमक वगैरह। ये देखिए यहाँ पे जो ये चेहरे की चमक है, नॉर्मल में ये थोड़ा ऐसा दिख रहा है डार्क डार्क, लेकिन अगर इसको अपन हाई करेंगे तो इसके चेहरे पर चमक आ जाती है, एक्सपोजिंग एकदम सही, वाइट हो जाता है इमेज। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको हम करते हैं ओके, नॉर्मल में ही प्ले कैंसिल, और फिर मैं बताता हूँ आपको रेड आई करेक्शन। इसको ओके करने के बाद ये सिर्फ फीचर, ये सब फीचर जो फ़ोटो खींचे हुए होते हैं ना उनके अंदर ये काम आता है। अब इसके अंदर देख लीजिए फ़ोटो, ये दिन का फ़ोटो है दोनों, तो ये रेड आई काम नहीं कर रहा है, और अगर सिंगल फ़ोटो हो या डबल नाइट का इमेज हो जिसके अंदर आंखें क्लियरली दिख रही हो तो उसमें ये काम करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको करते हैं कैंसिल, इससे आप रेड आई करेक्शन कर सकते हो। और अब मैं आपको बताता हूँ ये ट्रिम, तीसरे नंबर पे फीचर है ट्रिम। ट्रिम को ओके करने के बाद, ट्रिम का मतलब होता है कट करना। ठीक है फ्रेंड्स, वन मिनट। तो देखिए फ्रेंड्स, बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी उसकी वजह से, माफ़ी चाहता हूँ। और ये है ट्रिम, ट्रिम को ओके करने के बाद ये अपना इमेज ओपन हो गया। अब इसको ये देखिए आप, ये जो येलो पट्टी दिख रही है येलो वाली, इसको अपन इससे स्क्रॉल कर सकते हैं इधर उधर। ये देखिए, इसको आप ये एकदम से जैसा साइड का जो कट करना है उसको कट करके आप इससे ओके कीजिए। और इसमें एक और, हाँ ये माइनस है, तो अगर इसको पिक्चर को छोटा करना है कट जैसे, तो ये देखिए जितना आप करना चाहते हैं उतना ये येलो माइनस हो रहा है, जितना आप क्रॉप करना चाहते हो उतना क्रॉप हो सकता है। जैसे ये इतना ही फ़ोटो अपने को क्रॉप करना है, जो येलो लाइन में दिख रहा है वो कर सकते हैं, बड़ा करना है बड़ा कर सकते हैं उसके हिसाब से। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे अपन इस फ़ोटो को, ये जैसे ये जो साइड का दिख रहा है वो अपने को कट करके इसको इतना सेव करना है। तो ये ओके किया और ये इमेज सेव हो गया। अब आप देखिए ये पहले वाला फ़ोटो, और ये जो रीटच करके अपन ने ट्रिम किया है मतलब क्रॉप किया है वो फ़ोटो, ये आप कैमरे के अंदर ही आप कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके अलावा दूसरा फीचर्स हैं ये मोनोक्रोम। मोनोक्रोम में आप खींचे हुए फ़ोटो को ब्लैक एंड वाइट, सेफ या साइनोटाइप, ये तीन टाइप के कर सकते हो। ब्लैक एंड वाइट में आप देखिए ये जो फ़ोटो है, इसको आप ओके करेंगे तो ये कलर से पूरा ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सेव करने के लिए आप ओके बटन दबा सकते हैं, और सेव नहीं करना है तो आप ये प्ले, ये देखिए ओके बटन दबा के हमने सेव कर दिया। अब ये देखिए, ये ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो है, ये कलर फ़ोटो है, ये वही कलर, और ये ब्लैक एंड वाइट हो गया पूरा एकदम ब्लैक एंड वाइट। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर दूसरा फीचर है शेप या कलर। शेप या कलर के अंदर आप ये देखिए, इसको ओके किया तो इसका ये कलर आ गया है शेप या में। ब्लैक एंड वाइट के जैसा ही होता है ये शेप या कलर में फ़ोटो दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा येलोनेस होता है, येलोनेस एंड रेडनेस, मतलब थोड़ा लाल लाल दिखता है, थोड़ा येलो येलो मिक्स करके भूरा भूरा थोड़ा दिखता है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके बाद तीसरा फीचर है अपने ये साइनोटाइप। इसमें क्या है मैं आपको ये भी दिखाता हूँ, ये साइनोटाइप में भी ये ब्लैक एंड वाइट के जैसा ही होता है, इसको अपन ये लाइटर और
डार्क दोनों कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया ये तीसरा फीचर। चौथा, अब अपन आते हैं इसमें फिल्टर इफेक्ट पे। फिल्टर इफेक्ट के अंदर ये देखिए, ये सब ये सॉफ्ट है, इस सॉफ्ट के अंदर देखिए ये पूरा ये सॉफ्ट फोटो हो गया है, ये हाई नॉर्मल लो पूरा फोटो के अंदर ये सॉफ्टनेस आ जाती है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ बड़ा करके, ये सेव करने के बाद ये देखिए ये पूरा ऐसा सॉफ्ट सॉफ्ट हो गया, पूरा ब्लर टाइप दिख रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको करते हैं अपन डिलीट, इसको भी कर देते हैं डिलीट। और अब मैं आपको दिखाता हूँ फिल्टर इफेक्ट के अंदर ये स्काई लाइट, स्काई लाइट के अंदर ये फोटो के अंदर नॉर्मल सा चेंजिंग होता है, ज़्यादा तो कुछ खास नहीं है लेकिन नॉर्मल चेंजिंग होता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये देखिए ये स्काई लाइट वाला फ़ोटो है और ये अपने नॉर्मल, इसके अंदर ज़्यादा कुछ चेंजिंग नहीं है लेकिन होता ज़रूर है। अब मैं आपको वारम फिल्टर के बारे में बताता हूँ। वारम फिल्टर जो होता है उससे ये वारम टाइप दिखता है, येलो नेस थोड़ा ब्लू, हाँ ब्लू नेस आ रहा है। ये सभी फिल्टर है सर, ये रेड इंसिफाइटर है इससे थोड़ा रेडनेस बढ़ेगा, और ये ग्रीन इंसिफाइटर इससे ग्रीन नेस, ब्लू इंसिफाइटर से ब्लू नेस, ये अपने उस काम आएगा जैसे कोई फ़ोटो खींचते हैं और उसके अंदर कलर टेम्परेचर अगर सही ना हो तो उसको अपन एडिट करके कलर सेट कर सकते हैं वापस। और ये क्रॉस स्क्रीन, क्रॉस स्क्रीन के अंदर देखिए ये हो गया है, इसके अंदर ये देखिए ये 4, 6, 8 ये जो स्टार्स हैं वो स्टार अपन लगा सकते हैं, जैसे अपन ने लगा दिए 8 स्टार। अब इसको ये ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है फ्रेंड्स, और 2, 3 ये सब इसके अंदर फिल्टर एंगल्स हैं। और ये है लेंथ ऑफ पॉइंट, आप लेंथ कितना रखना चाहते हो, इतना इतना इतना, ये जो स्टार है वो है। ये देखिए यहाँ से चेहरे पे दिख रहे होंगे आपको, हाँ ये देखिए ये यहाँ पे हल्के हल्के से स्टार वाइट कलर के बन रहे हैं इस पर। तो अब मैं आपको बताता हूँ ये फिल्टर इफेक्ट तो ये सब हो गए, क्रॉस स्क्रीन वगैरह, अब आ रहा है कलर बैलेंस। अब कलर बैलेंस के अंदर आप ये देखिए कोई फ़ोटो अगर अपना सही नहीं आया है कलर के अंदर, रेड ज़्यादा आ गया, येलो ज़्यादा आ गया, ब्लू ज़्यादा आ गया, तो उसको अपन इसकी स्क्रॉल की मदद से अपन कलर सेट कर सकते हैं। जैसे ये देखिए ये इधर करेंगे इसको ये, तो ये देखिए फ़ोटो येलोनेस की तरफ बढ़ रहा है, इसको नीचे करेंगे तो रेड, और ये मैग्नेटा ये ब्लू ब्लू हो रहा है ज़्यादा, ये लाइट ब्लू, ये ग्रीन एंड ये येलो, जैसा अपन चाहें उससे अपन कलर इसका सेट कर सकते हो और इमेज को आप सेव कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके बाद तीसरा फीस आगे वाला फीचर है इमेज ओवरले। इमेज ओवरले में ये रॉ इमेज 1 इमेज 2 ऐसा कुछ है, इसको अपन छोड़ देते हैं, इसके बारे में जानकारी नहीं देते हैं। ये नेफ्रो प्रोसेसिंग ये भी कुछ खास नहीं है, ये रीसाइज, रीसाइज के अंदर अपन इमेज का साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे आपने इमेज लिया फोटो तो उसका साइज बन गया है, हाँ फ्रेंड्स, तो इससे क्या है साइज अपन कम कर सकते हैं। जैसे ये चूज साइज 2.5 MB, ठीक है फ्रेंड्स, इसको अपन जैसे कितना करना है 1.1 MB का करना है या 0.6, जैसा अपन चाहे उतना कम कर सकते हैं। 2.5 MB 15-20 MB का अगर कोई फ़ोटो खींच के आए बड़ा साइज है तो उसको अपन छोटा कर सकते हैं मेमोरी के अंदर, ठीक है फ्रेंड्स। और एक ये आ गया क्विक रिट्रेस, हाँ फ्रेंड्स, तो क्विक रिट्रेस के अंदर अपन इसको फ़ोटो को क्लिक करना होगा और ये नॉर्मल हाई और लो इससे थोड़ा सॉफ्टनेस बढ़ता है, ठीक है फ्रेंड्स। इससे आगे आता है अपना स्टेज नेट, स्टेज नेट के अंदर ये देखिए ये फोटो ऐसे रोटेट होता है, मतलब टेढ़ा होता है, ये देखिए ये
पहले एंगल कैसा रहता है, ये ऐसा, लेकिन इसके अंदर रोटेट होता है, ठीक है फ्रेंड्स। और इससे आगे अपना फीचर आता है डिस्टोर्शन कंट्रोल। इसको अंदर अपन ऑटो और मैनुअल दो मोड है। ऑटो मोड के अंदर, ऑटो मोड के अंदर अपन वो ज़्यादा डिप रेट नहीं रहता है, ऑटोमेटिक होता है। लेकिन मैनुअल मोड के अंदर आप देखिए, ये मैनुअल मोड अपने सेलेक्ट किया, ये फोटो सेलेक्ट किया, अब आप देखिए ये दिख रहा है फ्रेंड्स फर्क। इसको अंदर अगर ऐसे करेंगे तो फोटो ऐसे होगा, और इसको अपन इस साइड करेंगे तो ये ऐसा दिख रहा है, इसकी तरह होगा, ठीक है फ्रेंड्स। और इससे आगे जो फीचर है वो है फिश आई। फिश आई मतलब मछली की आँख। ये इस मोड पे अभी ये इधर है, ये देखिए, ये जैसी मछली की आँख होती है वैसा हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। इससे आगे का जो फीचर है वो अपना है कलर आउटलाइन। ये देखिए, ये हो गया कलर आउटलाइन, ब्लैक एंड वाइट पेंटिंग की तरह, ठीक है फ्रेंड्स। इसके आगे है कलर स्केच। अब कलर स्केच के अंदर आप देखिए, ये कलर पेंटिंग, ठीक है, ये विविडनेस है, इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हो, जैसे कलर कम और ज़्यादा दिखने के लिए, ये देखिए, ठीक है फ्रेंड्स। और ये आउटलाइन का, आउटलाइन से इसको भी आप कम ज़्यादा कर सकते हो, माइनस में तो ये एकदम कम दिखता है, वाइट वाइट ही दिख रहा है, लेकिन अगर अपन पूरा प्लस करते हैं तो एकदम पेंटिंग की तरह दिखता है पूरा। अब इस फोटो को मैं आपको सेव करके दिखाता हूँ, ये देखिए कैसा दिख रहा है, पूरा एकदम से पेंटिंग दिख रहा है, जैसे पेंटिंग बनाया हुआ हो वैसा पेंटिंग रियल हाथ से। हाँ फ्रेंड्स, तो कलर स्केच के बाद ये आता है पर्सपेक्टिव कंट्रोल, ठीक है फ्रेंड्स। इसको करते हैं ओके। अब आप ये देखिए, इसको इस साइड से करोगे तो ये इस साइड, ये इसकी साइड से बढ़ रहा है, देखिए ये ऐसे हो रहा है इमेज, ऐसे इस एंग, ये जो दिख रहा है आपको स्केच, इसके जैसे एंगल इसका हो रहा है, ये देखिए। और इसको आप ऐसे करोगे तो ये इस साइड से ये ऐसा हो रहा है, ये देखिए, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके अलावा आप इसको ये ऊपर वाला करोगे तो ऊपर की तरफ बढ़ेगा, ये जो दिख रहा है ऐसा, इस एंगल में ये होगा। और नीचे की तरफ करोगे तो ऊपर से ऐसे चिकुड़ेगा, नीचे से बढ़ेगा, ये देखिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया अपना फ्रेंड्स पर्सपेक्टिव कंट्रोल। के बाद ये आता है मिनी आर्ट इफेक्ट। इसको ओके कीजिए, मैं इसको ओके बटन दबाया। अब ये देखिए, ये जो लाइनिंग दिख रही है, ये येलो वाली, इसको चेहरे पे आप जैसे ये यहाँ से, ये अपना एंगल है, इसको सेलेक्ट करने के बाद अपन ये प्लस स्विच कर दिया तो ये पूरा बाकी वाला सब एरिया ब्लर हो जाएगा, सिर्फ इस एंगल को छोड़कर, ठीक है फ्रेंड्स। इसको करते हैं इमेज को सेव, देखते हैं क्या आता है। ये देखिए, पूरा एरिया ब्लर हो गया है सिर्फ इस एंगल को छोड़कर जो आपने सेलेक्ट किया था, ठीक है फ्रेंड्स। इसके आगे आता है, बस इतने फीचर ऐसे हैं, ये सब निकॉन के कैमरा के अंदर आते हैं, जो अपन इमेज को कैप्चर करने के बाद उनको एडिट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।